शोपियां के पास घने जंगलों के किनारे बने एक वीरान से घर में आज की दोपहर कुछ दबी दबी सी चहल पहल हो रही है। इस घर की रसोई में एक जवान लड़का अपने कंधे पर AK-47 राइफल लटकाए एक स्टोव पर कहवा उबाल रहा है। साथ वाले कमरे में चारपाई पर दो आदमी बैठे हैं और इनकी राइफल्स दीवार के सहारे फर्श पर खड़ी हुई हैं। ये दोनों सिगरेट पीते पीते एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे हैं कि तभी वो तीसरा लड़का ट्रे में 3 कप कहवा लिए कमरे में दाखिल होता है। चारपाई पर बैठे दोनों आदमी ट्रे से अपने अपने कप्स उठा लेते हैं और गर्मा गर्म कहवा के घूंट भरने लगते हैं। चारपाई पर बैठे ये दोनों आदमी कोई आम लोग नहीं, बल्कि साउथ कश्मीर में आतंक का पर्याय बन चुके हिजबुल के जाने माने आतंकी अबू तोरारा और अबू सबजार हैं। तोरारा और सबजार न जाने कितने भारतीय फौजियों की शहादत के लिए जिम्मेदार हैं और कई सालों से इंडियन आर्मी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। तीसरा लड़का जो इनके लिए कहवा लेकर आया है, इसका नाम है इफ्तिकार भट्ट। ये हिजबुल में नया नया भर्ती हुआ है। 6 फुट 2 इंच के इस लड़के का ज्यादातर मुंह दाढ़ी से ढका हुआ है, लंबे बाल कंधों पर गिर रहे हैं और चेहरे पर कोई भाव नहीं है। ये ना ही कुछ बोल रहा है और ना ही तोरारा और सबजार की बातों में कोई खास दिलचस्पी दिखा रहा है। 2 हफ्ते पहले इफ्तिकार भट्ट जब तोरारा और सबजार के पास आया था तो उन्होंने ये पूछना ज़रूरी नहीं समझा था कि भट्ट उन्हें कैसे जानता है, क्योंकि साउथ कश्मीर का बच्चा बच्चा इन दोनों को जानता था। इस इलाके से हिजबुल में भर्ती होने के लिए किसी को भी इन्हीं के पास आना पड़ता था। भट्ट ने इन दोनों को बताया था कि 3 साल पहले शोपियां के पास एक गांव में उसका बड़ा भाई एनकाउंटर में मारा गया था और तब से ही वो बदले की आग में झुलस रहा है, किसी भी कीमत पर भारतीय फौज से बदला लेना चाहता है। इफ्तिकार भट्ट फौज से बदला लेने की तैयारी करके तोरारा और सबजार के पास आया था। वो इन दोनों की मदद से एक आर्मी चेक पॉइंट पर हमला करना चाहता था और उसके पास चेक पॉइंट और एग्जिट रूट्स के हाथ से बने नक्शे भी थे। भट्ट की इतनी अच्छी तैयारी, फौज के प्रति नफरत और बदले की आग देख तोरारा और सबजार केवल 2 हफ्ते में ही उसकी मदद करने को तैयार हो गए थे। लेकिन अटैक से 1 दिन पहले आज तोरारा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके मन में भट्ट को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। वो भट्ट के सामने बैठकर उसकी आंखों में आंख डाल के एक बार फिर पूछता है, तुम कौन हो? भट्ट पहले तोरारा को देखता है, फिर सबजार की तरफ अपनी नजरें घुमाता है, अपना कप बड़े ध्यान से जमीन पर रखता है और खड़ा होकर अपनी राइफल को जमीन पर फेंकते हुए जोर से बोलता है, अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक है तो तुम मुझे अभी यहीं के यहीं गोली मार दो। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे मार डालो। पहली बार भट्ट को इस तरह गुस्से में देख तोरारा खड़ा होके नाक से नाक सटा भट्ट को घूरने लगता है और फिर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा सबजार की तरफ देखता है, शायद ये पूछने के लिए कि इस लड़के के साथ क्या करना है। लेकिन जैसे ही तोरारा अपना मुंह सबजार की तरफ घुमाता है, भट्ट अपनी सलवार से एक 9mm पिस्टल निकाल के बिजली की रफ्तार से एक के बाद एक 4 राउंड फायर कर डालता है। तोरारा और सबजार दोनों ही जमीन पर पड़े होते हैं। इफ्तिकार भट्ट नीचे झुक के दोनों की नब्ज चेक करता है, जमीन से अपना कप उठाता है और आराम से चारपाई पे बैठकर कहवा पीते पीते सूरज छिपने का इंतजार करने लगता है। सूरज छिपते ही भट्ट को अपने पैरों पर एक लंबी यात्रा जो करनी थी, उसे वापस वहीं जाना था जहां से वो आया था, जहां उसे इंडियन आर्मी की 1 पैरा SF के मेजर मोहित शर्मा के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, जय मां भारती। मेजर मोहित शर्मा के इस हुलिये के कारण उनके साथी अक्सर मजाक में उन्हें चिढ़ाते हुए कहते थे, अबे साले अगर तूने अपना हुलिया नहीं बदला तो एक दिन तू खुद ही आर्मी के हाथों धरा जाएगा। मेजर मोहित शर्मा हर बार हंसते हुए बस एक ही जवाब देते थे, मर जाऊंगा लेकिन कभी पकड़ा नहीं। इस अंडरकवर ऑपरेशन के 2 महीने बाद मेजर मोहित शर्मा गाजियाबाद अपने घर वापस आते हैं। उनका बड़ा भाई मधुर शर्मा उन्हें लेने के लिए गाजियाबाद स्टेशन पर आता है। मोहित की ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है और धीरे धीरे करके पूरी खाली भी हो जाती है, लेकिन मोहित कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मधुर ट्रेन के अंदर चढ़ता है और एक एक करके सारी बोगियां छान मारता है, लेकिन मोहित का कहीं अता पता नहीं। मधुर शर्मा परेशान होकर पूरे प्लेटफॉर्म पर अपने भाई को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी अचानक पीछे से आवाज आती है,
ओए भाई पहचाना नहीं क्या? मधुर अपने छोटे भाई को लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और कश्मीरी फेरान में देखकर अवाक रह जाता है। मेजर मोहित के पिता राजेंद्र शर्मा और माता सुशीला शर्मा दोनों ही मिडिल क्लास कामकाजी लोग थे और हर मिडिल क्लास माँ बाप की तरह वो भी यही चाहते थे कि उनके बेटे इंजीनियरिंग जैसी कोई डिग्री करके अच्छी सी नौकरी करें, घर बसाएं और उन्हें पोते पोतियों का सुख दें। लेकिन स्कूल के दिनों से ही मोहित का मन तो कहीं और लगा हुआ था। 1995 में दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मेजर शर्मा ने महाराष्ट्र के श्री संत गजानन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम भी दिया था। जब रिजल्ट आया तो वो महाराष्ट्र के शेगांव में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। उनका सिलेक्शन हो चुका था लेकिन उनके माता पिता ने उनसे ये बात छुपा कर रखी थी। लेकिन मिस्टर एंड मिसेज शर्मा शायद ये नहीं जानते थे कि उनके बेटे को फौज का कीड़ा बहुत बुरी तरह काट चुका है। वो खुद यूपीएससी फोन करके पता कर लेते हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है और एक दिन अचानक अपना सारा सामान लेकर एनडीए का मेडिकल देने के लिए महाराष्ट्र से गाजियाबाद अपने घर आ धमकते हैं। उनके माता पिता बेटे को मनाने की लाख कोशिशें करते हैं लेकिन मेजर शर्मा अपना मन बना चुके थे। मेजर मोहित शर्मा का मेडिकल एक हफ्ते बाद दिल्ली में होने वाला था लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनका वजन कट ऑफ से 6 किलोग्राम कम था और इसकी पूर्ति करने के लिए उनके पास केवल 4 हफ्ते का ही समय था। मेजर शर्मा अपनी डाइट में कई लीटर दूध, हाई प्रोटीन खाना और दर्जन भर केले रोजाना लेना शुरू कर देते हैं और 4 हफ्ते में 8 किलो वजन भी बढ़ा लेते हैं। एनडीए में मेजर शर्मा एक ऑलराउंडर कैडेट की तरह उभर कर सामने आते हैं और उन्हें बॉक्सिंग, घुड़सवारी और तैराकी में ट्रॉफीज फॉर एक्सीलेंस भी मिलती हैं। 3 साल एनडीए में और 1 साल आईएमए देहरादून में गुजारने के बाद 1999 में मेजर मोहित शर्मा ग्रेजुएट कर जाते हैं। 11 दिसंबर 1999 को मेजर मोहित शर्मा को देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक मद्रास रेजिमेंट की 5th बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन कर दिया जाता है। एनडीए के दिनों से ही मेजर मोहित शर्मा के केवल 2 ही सपने थे, पहला पैरा एसएफ में जाना और दूसरा कश्मीर में सर्व करना। इनमें से एक सपना जल्द ही पूरा होने वाला था। साल 2000 के मध्य में मेजर मोहित शर्मा की यूनिट को पुंछ राजौरी सेक्टर में 35 राष्ट्रीय राइफल्स की काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के अंडर ऑपरेट करने के लिए भेज दिया जाता है। इस दौरान मेजर मोहित शर्मा पैरा एसएफ यूनिट्स के कई ऑफिसर्स के संपर्क में आते हैं और पैरा एसएफ में जाने के लिए उनकी गाइडेंस भी लेते हैं। देश के सबसे दुर्लभ सेक्टर्स में मेजर शर्मा फुट पेट्रोल से लेकर रिकॉन मिशंस, हाई ऑल्टीट्यूड कॉर्डन एंड सर्च मिशन से लेकर फुल ब्लॉन टेरर हंट्स, सभी प्रकार के काम पूरी तन्मयता के साथ करते हैं। 13 दिसंबर 2001 के दिन मेजर मोहित शर्मा कश्मीर में ही ड्यूटी कर रहे थे जब एक दिल दहला देने वाली खबर उन्हें मिलती है। जेईएम और एलईटी के 5 आतंकियों ने देश की संसद पर हमला कर दिया था। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के राजनीतिक मंदिर में आतंकियों की गोलियों ने कहर बरसा दिया था और जब ये कहर रुका तो दिल्ली पुलिस, पार्लियामेंट सिक्योरिटी और एक माली समेत 9 लोग शहीद हो चुके थे। इस हमले के जवाब में इंडियन आर्मी ने एलओसी पर ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च कर दिया था और मेजर मोहित शर्मा की यूनिट भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनी थी। इसी ऑपरेशन के दौरान मेजर शर्मा राजौरी सेक्टर में एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन सफलतापूर्वक लीड करते हैं और इसके लिए उन्हें आर्मी चीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन भी मिलता है। मेजर मोहित शर्मा जब पहली बार पैरा एसएफ के लिए अप्लाई करते हैं तो तबीयत खराब होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन 2003 में दूसरी बार कोशिश करने पर वो 1 पैरा एसएफ में सेलेक्ट हो जाते हैं। उस दिन मैरून कलर का बैच पहनने की खुशी मेजर मोहित छुपाए नहीं छुपा पा रहे थे, लेकिन उधर उनकी माँ सुशीला का गुस्से से बुरा हाल था। वो अपने बेटे से जानना चाहती थी कि जब वो पहले से ही इतना खतरों से भरा काम कर रहा है तो और भी ज्यादा खतरनाक यूनिट में जाने का क्या मतलब है। लेकिन अपने बेटे का जवाब सुनकर सुशीला जी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। मेजर मोहित शर्मा को 1 पैरा एसएफ में पहली पोस्टिंग कश्मीर नहीं बल्कि चंडीगढ़ में मिली थी। उस समय मेजर मोहित शर्मा कैप्टन थे। चंडीगढ़ में मेजर मोहित शर्मा की मुलाकात आर्मी सर्विसेज कोर की कैप्टन रिश्मा सरीन से होती है। दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। लेकिन अभी दोनों की प्रेम कथा को शुरू हुए चंद महीने भी नहीं हुए थे कि 2004 की शुरुआत में मेजर मोहित को कश्मीर से वापस बुलावा आ जाता है।
ये ही वो समय है जब मेजर मोहित शर्मा एक बेहद खतरनाक अंडरकवर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। कई हफ्तों की प्लानिंग और डीप कवर में रहने के बाद मेजर मोहित शर्मा साउथ कश्मीर में हिजबुल के टॉप रिक्रूटर्स अबू तोरारा और अबू सबजार को खत्म कर देते हैं। 19 नवंबर 2004 को मोहित और रिश्मा शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और शादी होते ही मेजर मोहित को पहले इंडियन इन्फेंट्री स्कूल के कमांडो ट्रेनिंग विंग और फिर स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर के पद पर तैनात कर दिया जाता है। इतनी कम उम्र में कमांडोज का इंस्ट्रक्टर बनना एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात थी और मेजर शर्मा के माता पिता भी खुश थे कि उनका बेटा अब खतरे से दूर है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहती। अक्टूबर 2008 में मेजर शर्मा को एक बार फिर कश्मीर बुला लिया जाता है। 20 मार्च 2009 मेजर मोहित शर्मा और उनके अंडर वन पैरा एसएफ के 25 पैरा ट्रूपर्स की टीम कुपवाड़ा में बेस थी। दोपहर के समय मेजर शर्मा को उनके सेक्टर कमांडर का एक फोन आता है और कुछ मिनट बाद 3 बजे उनकी टीम विलगाम में स्थित 6 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के हेडक्वार्टर के लिए निकल जाती है। 6RR का CO मेजर शर्मा को बताता है कि उसकी एक टीम ने हफरूदा के जंगल में कुछ आतंकियों को स्पॉट किया था और एक छोटी सी मुठभेड़ के बाद सभी आतंकी बचकर निकलने में सफल हो गए। ऐसी सिचुएशन में मेजर मोहित शर्मा की टीम को बुलाए जाने का केवल एक ही मतलब था, उनको 6RR से बचकर भागे आतंकियों का शिकार करना था। इंटेलिजेंस भी कोई ज्यादा साफ नहीं थी, कितने आतंकी हैं, एग्जैक्टली कहां पर हैं, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि 18 मार्च की सुबह वो LOC क्रॉस करके अंदर घुसे हैं और इस वक्त हफरूदा के विशालकाय जंगलों में छुपे हुए हैं। 21 मार्च 2009 समय रात के 2:30 बजे मेजर मोहित शर्मा और उनकी टीम विलगाम से फरूदा में मौजूद 6RR के उस स्क्वाड की लोकेशन के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। सुबह 4 बजे मेजर मोहित की टीम उस लोकेशन पर 6RR के स्क्वाड से मिलती है और स्क्वाड का अल्फा कंपनी कमांडर पूरी सिचुएशन पर मेजर मोहित को ब्रीफ करता है। ब्रीफिंग के बाद 6RR का एक ऑफिसर मेजर मोहित और उनकी टीम को जंगल के 700 मीटर अंदर उस पॉइंट पर लेकर जाता है जहां आतंकियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद मेजर मोहित शर्मा 6RR के ऑफिसर से कहते हैं, इस ऑपरेशन कॉब स्पेशल फोर्सेस टीम कंडक्ट करेगी, आप लोग वापस जा सकते हैं, धन्यवाद। मेजर मोहित शर्मा अपने एक पैरा ट्रूपर को हेडक्वार्टर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए 6RR के साथ ही छोड़ देते हैं और बाकियों को 8-8 लोगों के 3 स्क्वाड्स में बांट देते हैं। एक स्क्वाड का नेतृत्व मेजर मोहित शर्मा अपने जोड़ीदार हवलदार राजीव कुमार के साथ खुद करते हैं, दूसरे का नायब सूबेदार उत्तम चंद और तीसरे स्क्वाड के नेतृत्व का जिम्मा हवलदार राकेश खंडेलवाल को सौंपा जाता है। तीनों स्क्वाड्स अलग अलग दिशाओं में बर्फ से ढके हफरूदा के घने जंगलों में फैल जाते हैं और जल्द ही हवलदार राजीव के स्क्वाड को बर्फ में आतंकियों के पैरों के निशान भी मिल जाते हैं। ये निशान देख हवलदार राजीव को पता चलता है कि ये आतंकी हाईली ट्रेंड हैं और इन्हें पकड़ना आसान नहीं होने वाला। आतंकियों ने बहुत ही संभलते हुए अपने पैरों के निशान बर्फ पर छोड़े थे। उनमें से जो भी आदमी सबसे आगे चल रहा था, बाकी सब उसी के द्वारा बनाए गए निशानों पर ही अपने कदम रख रहे थे, जिससे कि उनके पीछे पड़ी फौज सही से उनकी संख्या का अंदाजा ना लगा पाए। अभी मेजर मोहित और उनके पैरा ट्रूपर्स ये सोच ही रहे होते हैं कि अब आगे किस दिशा में जाया जाए कि तभी थोड़ा आगे निकल चुके मेजर मोहित के स्काउट पैरा ट्रूपर नेत्र सिंह रेडियो पर घोषणा करते हैं कि उन्होंने 2 आतंकियों को स्पॉट कर लिया है और आतंकियों ने उन्हें। आधे सेकंड बाद हफरूदा की बर्फ से ढकी पूरी वादी गोलियों की आवाज से गूंज उठती है। मेजर मोहित शर्मा और उनकी टीम के ऊपर गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे गोलियां चारों दिशाओं से आ रही हैं। पैरा ट्रूपर नेत्र सिंह को 2 गोलियां लगती हैं और वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम्स को तुरंत जो भी मिले उसके पीछे कवर लेने का आदेश देते हैं और आतंकियों की दिशा में अंदाजे से फायरिंग करने लगते हैं। अभी सुबह के 11 बजे थे और आतंकी मेजर शर्मा के स्क्वाड से आगे फैलकर उन्हें घेर चुके थे। फायरिंग पैटर्न को देख मेजर शर्मा समझ जाते हैं कि आतंकी उनसे 50-60 मीटर की दूरी पर एक आर्क यानी कि आधा गोला बनाकर AK-47 बंदूकों से गोलियां बरसा रहे हैं। मेजर मोहित शर्मा हवलदार राकेश को, जिनका स्क्वाड चोटी की तरफ जा रहा था, उनको रेडियो पर फटाफट ऊपर से
आतंकियों को एंगेज करने का ऑर्डर देते हैं। हवलदार राकेश का स्क्वाड तुरंत दो दो की जोड़ियों में फैलकर आतंकियों पर अपनी TAR-21 राइफल से गोलियां बरसाने लगते हैं कि तभी एक गोली हवलदार राकेश के पैर में आकर लगती है। हवलदार राकेश तुरंत अपना कॉम्बैट पटका उतार के घाव पर बांध लेते हैं और लड़खड़ाते हुए दुश्मन पर फायरिंग करना जारी रखते हैं। मेजर मोहित शर्मा को पता था कि आतंकी उनसे कहीं ज्यादा बेहतर और सुरक्षित लोकेशन से फायरिंग कर रहे हैं, इसलिए वो अपने साथियों को किसी तरह थोड़ा और पीछे जाके पेड़ों के पीछे कवर लेने का आदेश देते हैं। जैसे ही उनके साथी पीछे जाना शुरू करते हैं, मेजर मोहित शर्मा उनको कवर प्रदान करने के लिए आतंकियों पर फायरिंग करने लगते हैं। हवलदार राजीव चिल्लाते हुए कहते हैं, सर पहले आप कवर ले लो, मैं इनको संभालता हूं। लेकिन मेजर शर्मा जवाब देते हैं, नहीं नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। अभी उनका वाक्य पूरा भी नहीं होता कि एक गोली उनकी बाईं बाजू में आकर लगती है। मेजर मोहित शर्मा भी फटाफट अपना कॉम्बैट पटका उतार अपनी बाजू पर बांध लेते हैं और फायरिंग करना जारी रखते हैं। जैसे ही मेजर मोहित शर्मा के ज्यादातर पैराट्रूपर्स कवर ले चुके होते हैं, वो अपने स्क्वाड के लांस नायक सुभाष सिंह को आतंकियों के ऊपर MGL यानी के मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर फायर करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन दुश्मन पर ग्रेनेड फायर करने के लिए अभी सुभाष पोजीशन ले ही रहे होते हैं कि एक गोली उनकी कोहनी में आकर लगती है। मेजर मोहित जैसे ही देखते हैं कि सुभाष अब MGL ऑपरेट नहीं कर सकता, वो उसे पीछे आने का ऑर्डर देते हुए खुद MGL उठा लेते हैं और दुश्मन की दिशा में एक के बाद एक 6 ग्रेनेड फायर कर देते हैं। आतंकियों की तरफ से होने वाली फायरिंग एकदम से धीमी पड़ जाती है। इस समय तो ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन मेजर मोहित शर्मा ने MGL से 4 आतंकी मार गिराए थे। ग्रेनेड्स का धुआं छटने के बाद मेजर मोहित शर्मा पीछे अपने साथियों के साथ कवर लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं और जब वो कवर लेने के बहुत करीब होते हैं, एक गोली उनकी छाती के बाईं तरफ आकर लगती है। हवलदार राजीव तुरंत अपने टीम लीडर की मदद करने को भागते हैं। मैं ठीक हूँ राजीव, ये ज़्यादा बड़े घाव नहीं हैं, तुम उन पर गोलियाँ चलाते रहो, एक भी आतंकी बचकर नहीं निकलना चाहिए। ये कहते हुए मेजर मोहित शर्मा हवलदार राजीव को वापस भेज देते हैं। इतने में नायक सूबेदार उत्तम चंद का स्क्वाड ऊंची जमीन पर पहुंच आतंकियों पर फायर करने लगता है। एक भी आतंकी को भागने नहीं देना, उन पर फिर से गोलियां चलाओ। पीले पड़ते मेजर मोहित शर्मा बुलंद आवाज में उत्तम चंद के स्क्वाड को ऑर्डर देते हैं और खुद अपने एक ही हाथ से फायरिंग करते रहते हैं। वो आखिरी दम तक यही बोलते रहे, मैं ठीक हूँ, बाकियों को देखो। हवलदार राजीव आज भी उस दिन को याद करते हुए रो पड़ते हैं। उनके अनुसार उस दिन मेजर मोहित शर्मा के केवल 2 ही ऑब्जेक्टिव्स थे, एक भी आतंकी को बचकर ना निकलने देना और अपने साथियों की जान बचाना। देर शाम तक 1 पैरा SF के और भी कई स्क्वाड्स वहां पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर से मेजर मोहित शर्मा को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां अगली सुबह उन्हें शहीद घोषित कर दिया जाता है। हवलदार राजीव कहते हैं कि मोहित सर को अपने कंधों पर हेलीकॉप्टर तक ले जाना मेरी जिंदगी का सबसे भारी बोझ था। 5 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में 12 आतंकी मारे जाते हैं, जबकि मेजर मोहित शर्मा समेत 4 पैराट्रूपर शहीद होते हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद सीन की जांच में पता चलता है कि 12 आतंकियों में से एक हाईली ट्रेंड शार्प शूटर था, जिसके पास टेलीस्कोपिक राइफल थी। यही कारण था कि ऐसे ऑपरेशन में 1 पैरा SF जैसी देश की सबसे एलीट यूनिट के 4 फौजी शहीद हो गए हों। इसी दिन यानी के 21 मार्च 2009 की देर रात 1000 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के घर का फोन बजता है। मेजर मोहित के पिता फोन उठाते हैं तो लाइन की दूसरी तरफ 2 ऑफिसर्स थे जो अभी के अभी शर्मा निवास आना चाहते थे। मेजर मोहित के पिता राजेंद्र शर्मा आज भी उस फोन कॉल को याद करते हुए कहते हैं, मैंने मोहित की माँ को उठाया और उसे बताया कि मोहित के 2 साथी अभी घर आना चाहते हैं, तो ये सुनकर उसका दिल बैठ गया और तबीयत बिगड़ने लगी। जब दोनों ऑफिसर्स मेजर मोहित के घर आकर उनके माता पिता को यह सूचना देते हैं कि उनका बेटा शहीद हो गया है, तो सुशीला शर्मा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती हैं। ऐसा ही कुछ हाल पटियाला में मेजर मोहित की पत्नी रिश्मा शर्मा का भी होता है। जब उन्हें यह सूचना मिलती है तो वो भी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती हैं और एक रात के लिए उन्हें ICU में भर्ती कराना पड़ता है। हर साल 21 मार्च को मेजर मोहित शर्मा की 1 पैरा SF यूनिट में आज भी उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। आज 10 साल बाद भी पूरी पैरा SF यूनिट में एक भी फौजी ऐसा नहीं है जिसने मेजर मोहित शर्मा के अफरूदा ऑपरेशन और इफ्तिकार भट्ट के उस अंडरकवर मिशन के बारे में ना सुना हो। मार्च 2004 में जिन दिनों मेजर मोहित शर्मा अबू तोरारा और अबू सबजार वाले उस अंडरकवर ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनका एक साथी ऑफिसर उन्हें पीछे से आवाज मारते हुए
कहता है, और भाई मोहित कैसा है? अपनी लंबी सी दाढ़ी को एक चेक वाले स्कार्फ से ढके मेजर मोहित शर्मा पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, मोहित नहीं मुझे इफ्तिकार कहो। क्या बताएं, वो देख वाकई में मतलब हम इतना मिस कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहीं से आएगा आगे और आकर बोलेगा कि मम्मी मैं आ गया। अभी तक भी ये लगता नहीं है कि वो चला गया। जिस कोने में खड़े होते हैं ऐसा लगता है कि मोहित बुला रहा है। कोई चीज़ भी बनाते हैं तो जो उसके शौक की है वही लगता है कि कैसे कहाँ दे के आए हम। और कोई टाइम नहीं जाता, सुबह उठते हैं तो उसकी याद आती है, शाम होती है तो हम एक टाइम बहुत रोते हैं।